段階、加点胸骨からまつ真珠。तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज अपन लोग खेलने वाले हैं फ्री फायर और उसके अंदर करने वाले हैं 2v2, वो भी घोष्ट भाई और आशीष भाई के साथ। और अपनी साइड में है आरजे अंकित, जिसको तुम लोगों ने पहली बार देखा होगा, तो ये बहुत ज्यादा नूबड़ा बंदा है। अरे साले, इस पे तुम लोग बिल्कुल भी काउंट मत करना। तो ठीक है, अपन लोग 2v2 करने वाले हैं और वो भी शॉर्ट गन के साथ, M1887, जिसके अंदर ओनली वन टैप। और बाकी देखते हैं कितनी देर वन टैप मार पाते हैं अपन लोग। ए भाई, घोष्ट भाई ने गंदा खेला यार, मेरा पता नहीं भाई। बच गया बच गया, फिर से एक मिनट रुकना। बाकी मेरे को नहीं लगता जो आरजे अंकित है और जो आशीष भाई है वो वन टैप खेल पाएंगे। पूरा लास्ट जोन आ गया और इधर पे घोष्ट भाई अभी भी बचे हुए हैं। तो तुम लोगों को क्या लगता है इस कस्टम में कौन जीतेगा, कौन ज़्यादा मस्त वन टैप मार पाता है? पूरा बॉडी लगा इस बार तो लगा भाई, बहुत गंदा खोपड़ा टूटा है घोष्ट भाई का। तो जल्दी से कमेंट कर देना। और मेरे को ऐसे बंदे चाहिए भाई जो मतलब एकदम से वन टैप खेले और मेरे साथ खेले, मतलब कि मेरे को अगेंस्ट में खेले। बाकी फीलिंग्स पे जाओ तुम लोग, शब्दों पे मत जाओ। इधर पे घोष्ट भाई, दो बंदों पे हाथ साफ कर रहा हूँ मैं, ये देखो मतलब बारी बारी। अरे आशीष भाई निकले भाई, मेरे को लगा बॉल में पैक भाई, मजा आया लिया है ना आशीष भाई, ऐसे थोड़ी लगा तुमको कि मैं छोड़ देगा तुमको। बाकी अभी इधर पे घोष्ट भाई बचे हैं अकेले, अपन लोग एक राउंड तो पहले ही जीत चुके हैं। हाँ कर लो तुम, पैक कर लो आराम से ही ले। भाई गंदा मारा यार, पता नहीं इनका बॉडी लग रहा है या फिर हेड लग रहा है, मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत गंदा लग रहा है। वो आरजे अंकित ने मार दिया, मेरे को तो नहीं लगा था भाई, ये तो नूबड़ा था ना। चलो कोई नहीं, ये मतलब इस पे तुम लोग वैसे काउंट मत करना, इससे अच्छा तो आशीष भाई खेलते हैं। और आशीष भाई और ये मतलब आरजे अंकित तो बॉडी बॉडी मार रहे हैं। बाकी इधर पे घोष्ट भाई आ चुके हैं और अभी अपन लोग करने वाले हैं आमना सामना। और 12 का डैमेज लगा है, क्या गुंडा बनेगा मैं, ऐसे थोड़ी खेलेगा मैं वन टैप। बाकी ठीक है यार, फिर भी मतलब कि इतना अच्छा खेल रहा हूँ मैं, ठीक है ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। इस मारने दो, एक मिनट रुकना भाई, एक गोली नहीं लग रही है, क्या होगा? अपना तो एक बंदा गया अभी। और इधर पे नहीं लगा, और बॉडी लगा। ओ भाई 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 भाई, भाई मेरा भी एचपी नहीं है थोड़ा, उनका भी नहीं है। पूरा लास्ट जोन आ चुका और अभी तो मजा आने वाला है। ओ भाई भाई भाई, वॉल नहीं लगा, वॉल नहीं लगा, क्या हो रहा है? मतलब पता था मेरे को ऐसा ही होना है, वो बॉडी मारा है उनने। और बाकी मेरा तो मतलब वॉल नहीं लगा और दो गोली मतलब मैं स्टक हो गया था ये शॉर्ट गन। और बाकी ठीक है, अगला राउंड में देखते हैं अपन लोग। भाई भाई अभी भी वॉल नहीं लग रहा, क्या हो रहा है? मतलब ऐसे थोड़ी चलेगा यार, पैक करने तो थोड़ा सा अभी बाहर निकलते हैं। किधर पे गए घोष्ट भाई? पीछे हो, ठीक है भाई ऐसे मारोगे। और लगा बॉडी लगा, फिर भी मतलब स्विच ही नहीं हो रहा है, गन स्विच नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता। आरजे अंकित ने आशीष भाई का गेम ख़त्म कर दिया है और अभी अपनी बारी है कि मतलब घोष्ट भाई को मारे। और भाई देखो, मेरा वॉल नहीं लग रहा है और दो गोली चल रहा है, मतलब फिर भी उनको कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। गया मैं, ऐसे होगा तो मैं मरेगा ना भाई, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और अगर तुम लोगों को भी कस्टम करना है तो जल्दी से रिक्वेस्ट भेज दो, अपन लोग ये शॉर्ट गन का कस्टम जरूर करेंगे, या फिर तुम लोग कहोगे उसी गन का कस्टम कर लेंगे। बाकी अभी देखते हैं। ओ मस्त तुम्हारा यार, ये तो मतलब अलग लेवल पे, ठीक है अभी फिर भी गए यार, क्या गुंडा बनेगा आरजे अंकित तू। ऐसे छोटी छोटी बातों का तो ध्यान रखना चाहिए ना, अभी अभी तो वो जोन में नहीं जाने देंगे ना इनको। अभी भाई गोली भी मारनी होती है, ठीक है हो गया गेम ख़त्म, आरजे अंकित काम तमाम। चलो 2v2 हो चुका है, मतलब 2v2 हो चुका है। मैं भावनाओं पे मत जाओ, शब्दों पे मत जाओ, ठीक है। अभी इधर पे आ चुके हैं घोष्ट भाई, बहुत ही इमोट दिखा रहे थे ना, वैसे मेरे पास डाउनलोड नहीं है तो मेरे को नहीं दिखाई दिया। और इधर पे 6-6 का लगा है, क्या मतलब अलग लेवल पे लगा है, इधर से ही आएंगे मेरे को 100% पता है। और ऐसे आओगे तुम? नहीं ऐसे आओगे, अब दिखाओ इमोट, हल्के मलेरिया लगता है मेरे को। कोई बात नहीं, अपन लोग 3 राउंड ही जीते हैं, ज़्यादा तो नहीं जीते हैं। और अगर तुम लोगों को खेलना है तो जल्दी से कमेंट जरूर कर देना। बाकी अभी बैठ गया यार कैरेक्टर, मतलब स्टक हो रहा है मेरा मूवमेंट, तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो बाकी उतना कुछ खास नहीं है। और तुम लोग ये भी कमेंट करके बता देना तुम लोगों को ग्राफिक कैसे लग रहे हैं। अभी ये तो गए घोष्ट भाई, तो गए अभी आशीष भाई अकेले बचे, उनको मारना फिर अपना राउंड आ जाएगा। ओ भाई 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 भाई, 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 भाई आशीष भाई तो क्या गंदा अंदर आए हैं, दो गोली चला रहे हैं वो पूरा मतलब। और थोड़ा सा बाहर निकलते हैं इधर से, मेरा मतलब ये मूवमेंट ना स्टक, और हाथ में गन ना अटके तो मैं मार देगा इनको, फिर से गन अटकाना और मैं गया ख़त्म, टाटा बाय बाय फिनिश। अभी
भाई 3 दिन हो चुका है, ऐसे होगा तो मतलब मज़ा नहीं आएगा। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा ये कस्टम, तुम लोग ज़रूर कमेंट करके बता देना। और वीडियो थोड़ी बड़ी है तो पूरा देख के सपोर्ट भी कर देना। मस्त वाला लगा है, 18-18 का ही लगा, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं लगा। और रिवाइव करने जा रहे हो भाई? रिवाइव नहीं होता इधर पे, ऐसे करोगे घोस्ट भाई, गद्दारी कर पे किधर पे ऐसे, मतलब उधर से आओगे शॉट गन से मारोगे उतनी दूर से? नहीं भाई, तुम्हारी आईक्यू बहुत ज़्यादा है। और भाई ऐसे थोड़ी आओगे सामने से, इतना पिक दे के आओगे तो फिर कैसे छोड़ेगा मैं तुमको। और मैं इतनी ज़्यादा कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मेरे को मतलब पूरा देखने में भी फील आ रहा है, और गए एक तो लगा और फिर खेलने में भी बहुत फील आया था, मतलब मज़ा आया था, तो ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं। बाकी ठीक है, मस्त वाला लगा, थोड़ा सा रस करने का मतलब मौका ही नहीं दे रहे, इससे पहले तो भाग जा रहे हैं भाई। वुल्फरा वाले को बैन कर कितना मारूँ मैं, देखो कितना मारूँ। अगर नेक्स्ट कस्टम होगा तो वुल्फरा बैन होगा 100%, आज के बाद वुल्फरा बैन है भाई, खत्म। मेरे को लगा इस बार भी बच जाएंगे, लेकिन ठीक है इस बार तो मरे कम से कम। और आरजे अंकि तो अपना मतलब आशीष भाई को अच्छे लपेटे में ले रहा है। थैंक्स, लव यू। और अभी नेक्स्ट राउंड, अपन लोग 5 राउंड जीत चुके हैं, और सामने वाले मतलब घोष्ट भाई और आशीष भाई 3 राउंड जीत चुके हैं। भाई क्या लग रहा है ये, मतलब गोली तो सारी कनेक्ट होनी चाहिए ना, एक गोली कौन सी कनेक्ट होती है शॉटगन की, ऐसा थोड़ी होता है भाई। और इधर पे तो यार आशीष भाई को मैंने मारा था, वो किल भी नहीं मिला मेरे को। कोई नहीं, चलो 5v4 हो चुका है अभी तो, लगा 3-3 का तो मतलब बॉडी डैमेज लगा। ए भाई गंदा मारा है इस बार, तो बचे कैसे भाई? वुल्फरा को बेल करो सालो, वुल्फरा लगा लगा के आते हो भाई, ये तो मतलब चीटिंग हुआ ना यार एक तरीके से। अभी बोल नहीं लगा, ठीक है फिर भी मस्त लगा। और ये तो मस्त मारा, कुछ भी बोलो ये तो मस्त मारा, आई अप्रिसिएट फॉर कॉस्ट भाई। ये तो मतलब छोड़ो अभी, मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करेगा। बाकी मैंने भी मारा था लेकिन वुल्फरा के कारण बच गए। और अगर नेक्स्ट कस्टम होगा तो वुल्फरा बैन होगा, अगर तुम लोगों के साथ भी कस्टम हो तो उसके अंदर वुल्फरा मत लगाना। बाकी तुम लोगों को जो कैरेक्टर स्किल चाहिए वो लगाना, ठीक है? लगी है इस बार तो ठीक ही लगी है आई थिंक तो। ओ मस्त मारा ये भी, जंप वाला ये वाला मस्त था उससे, लास्ट वाले से भी। बाकी मेरे एनिमी की मैं तारीफ कर रहा हूँ तो तुम लोग सोच लो कि मतलब वो अच्छा ही मारा होगा, ठीक है? अभी अंकित भाई मारना भी होता है, ठीक है? ऐसे थोड़ी खेलोगे तुम लोग, मतलब मारना ज़रूरी है भाई। नहीं मारेंगे मारेंगे, कब मारेंगे पर, राउंड हारने के बाद। एक को तो मारा था इधर से आशीष भाई ने, बॉडी बॉडी पेल दिया, एक गोली इनने मारी एक गोली उनने मारी, और उसका तो एक एक गोली में गेम ख़त्म हो गया। अभी राउंड 12 भाई, फर्स्ट भाई मतलब ज़्यादा मूवमेंट दिखा रहे हैं, मैं तो उतनी मूवमेंट दिखा भी नहीं रहा, ठीक है? इधर पे अपने अंकित का काम तमाम हो चुका है और आशीष भाई पीछे हैं, वो तो नहीं मारेंगे जब तक मैं घोष्ट भाई को नहीं मार दूं या फिर वो मेरे को नहीं मार दे। वो इतना असंभव, असंभव ना तुम्हारा था भाई, इससे बड़ा ग्लिच हो सकता है कोई गेम के अंदर, इतनी सीरियस कस्टम के अंदर, मतलब फ्रेंडली कस्टम के अंदर, और ऐसा ग्लिच होगा तो फिर मज़ा थोड़ी आएगा मेरे को। अभी इस राउंड के अंदर घोष्ट भाई क्या घूम रहे हो ऐसे, इसके ऊपर से मार सकता है? नहीं लगा, कोई बात नहीं, अभी तो और भी होगा ना। गया भाई, बॉडी लगा है इतना, मतलब परफेक्ट एम करके मारा मैंने। कोई नहीं, अभी तो गए ख़त्म, एक तो गए आशीष भाई सामने है। और किधर गए आशीष भाई? ओए पीछे गए या मतलब इधर पे, या डब्बे डब्बे के पीछे, किधर पे तो होने चाहिए। और आगे चलते हैं, चलो देखते हैं भाई। वो लटक गया मेरा, मैंने 2-3 बार टैप किया, तुम लोग देख सकते हो कि, लेकिन मतलब वो लगा ही नहीं, क्या हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन ठीक है। अब किधर पे गए आशीष भाई? भाई ऐसे छुप के, ये रे 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 दिखाई दे गए, ऐसे छुप के खेलोगे तो गए ख़त्म भाई। ऐसे साइलेंटली बैठे थे, मतलब मेरे को तो पता था मैं बाहर निकलेगा उस साइड से, तो मेरे तो बॉडी बॉडी में मेरा गेम ख़त्म होना था, लेकिन ठीक है भाई, अपन लोगों को थोड़ा सा पीक मिला, उसका अपन लोगों ने फ़ायदा उठाया। और अभी हो चुका है 6v7। और कॉस्ट भाई बॉडी बॉडी में तो नहीं मरोगे तुम, मेरे को पता है, लेकिन ठीक है हील हो जाता है भाई इसके अंदर। ये नारी लगा रखा है अपन लोगों ने, और उनने भी लगा रखा है, थोड़ा सा पेक करने दो, वैसे पेक नहीं किया है लेकिन ठीक है भाई, अभी भी मार सकते हैं अगर वो मेरे को मारना चाहे तो। ट्राई भी किया था उनने,
ऐसे उनका फायर पहले हुआ जिसका मेरे को फ़ायदा मिला। अगर उनका कनेक्ट होता तो मेरा फ़ायदा ही नहीं था भाई। अभी तो मैं बॉडी बॉडी मारने वाला हूँ क्योंकि 7 राउंड आ चुके हैं ना, और इस राउंड में तो बॉडी बॉडी मारना ज़रूरी था क्योंकि आशीष भाई भाई बॉडी बॉडी खेल रहे हैं पहले राउंड से। वो दोनों मतलब खेल ही बॉडी बॉडी रहे हैं। अभी अपना फाइनल राउंड है, जो कि अगर तुम लोग ना भी देखोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इधर पे देखो सभी अपन लोगों के रियल गेम प्ले पे आ चुके थे। और भाई भाई यार दोनों ने मिल के मारा है, ये तो गद्दारी हुई ना। चलो अंकित भाई जितवा सकते हो तुम लोग, ठीक है। एक तो गए, बहुत बढ़िया। अभी घोष्ट भाई जा चुके हैं तो अपन लोग जीत जाएंगे बहुत आराम से, बस ये लोग चीटिंग ना करें। और भाई रिवाइव कर दिया यार, ये तो घोष्ट भाई ने चीटिंग की है, मतलब आशीष भाई ने। तो कस्टम का फेयर विनर तो हम दोनों ही हैं, मतलब मैं और अंकित भाई। बाकी तुम लोग अगर चाहो तो उनके लिए चीटर ओपी लगा देना। सो आई होप तुम लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम लोगों को भी कस्टम करनी है तो जल्दी से कमेंट में अपनी UID कमेंट कर देना, अपन लोग कर लेंगे। तो मिलते हैं इसी गेम के या फिर अनदर गेम के एक और गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।